भिंडी की सब्ज़ी आपने कई बार बनाई भी होगी और खाई भी होगी। आज मैं आपके लिए बहुत ही यूनिक और बिल्कुल नई भिंडी की रेसिपी लेके आई हूँ, जो आज तक आपने ना कभी बनाई होगी और ना ही खाई होगी। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं फिर से हाजिर हूँ आपके सामने एक नई और यूनिक रेसिपी के साथ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने 250 ग्राम भिंडी ली है और उनको मैंने धो लिया है अच्छे से, और उनके मैंने आगे पीछे से डंठल को काट लिया है, आप देख सकते हो। अब हमें इनमें बीच में से दो पीसीस करने हैं और इनको छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेना है। आप देख सकते हो मैं किस तरीके से काट रही हूँ, आपको इसी तरीके से इनके दो पीसीस करके बीच में से इनको छोटे छोटे पीसीस में कट कर लेना है। बीच में से छीलना है पहले आपको इनको, और फिर छोटे छोटे पीसीस में इनको, हम ज़्यादा बड़े पीस नहीं करने, हमको छोटे छोटे पीसीस में इनको कट कर लेंगे। आप देख सकते हो इस तरीके से आपको अच्छे से इनको काट लेना। आप देख सकते हो मैंने ये 250 ग्राम भिंडी ली थी और इनको मैंने बीच में से छोटे छोटे पीसीस में काट लिया है, आपको इसी तरीके से इनको काटना है। और ये बहुत ज़्यादा यूनिक और बहुत ही सिंपल रेसिपी है जो आपको बहुत पसंद आएगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने 3 हरी मिर्च ली हैं और 4 मैंने लहसुन की कलियाँ ली हैं, इनको मैंने बीच में से कट कर लिया है। यहाँ पे मैंने तवे को गर्म किया है और इन पे अब हम इनको भूनेंगे अच्छे से। हमें इनको तवे पे भून लेना है, इससे इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा आएगा और ये बहुत ही ज़्यादा खाने में स्वादिष्ट लगेगी। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और आपको रेसिपी पसंद आए तो इसको ट्राई कीजिएगा। तो इस तरीके से हम इनको भून लेंगे, देख सकते हो आप हमारी मिर्च और लहसुन भून गए हैं। इनको इसी तरीके से हम अच्छे से भून लेंगे, देख सकते हो आप, इससे इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा। आप देख सकते हो हमारी मिर्च और लहसुन भून चुके हैं। यहाँ पे मैंने थोड़ी सी मूंगफली ली है, ये कच्ची मूंगफलियाँ हैं, इनको भी हम तवे पे अच्छे से भून लेंगे। मूंगफली डालने से भिंडी का टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो जाता है और खाने में भी ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो इसी तरीके से हमें मूंगफली को भी अच्छे से भून लेना है, ताकि इसके छिलके भी अच्छे से मूंगफली से निकल जाए। हमें इन्हें ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, हल्का ही भूनना है। अगर हम इनको ज़्यादा भून लेंगे तो ये इनका टेस्ट कड़वा हो जाएगा और ये खाने में टेस्टी नहीं लगेगी। तो इस तरीके से हम इनको भून लेंगे। मैंने यहाँ मीडियम फ्लेम की हुई है। तो फ्रेंड्स, देख सकते हो आप हमारी मूंगफली भी अच्छे से भून चुकी है। अब हम इनके छिलकों को निकाल के अलग कर लेंगे। यहाँ पे मैंने तेल गर्म होने के लिए रख दिया है कढ़ाई में, इतने हमारा तेल गर्म होता है। अब हम इसमें जीरा डालेंगे, यहाँ पे मैंने इसमें जीरा डाल दिया है, और इसको तड़कने तक अच्छे से पकाएंगे, जब तक ये तड़क नहीं जाता। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया था और उसको पतली पतली लंबी स्लाइसिस में कट कर लिया है। ज़्यादा मोटा नहीं काटना हमें, पतली पतली स्लाइसिस में काटना है। तो फ्रेंड्स, इसको हम भून लेंगे, ब्राउन होने तक हमें इसे अच्छे से भून लेना है, जब तक कि ये ब्राउन ना हो जाए। इसको मीडियम फ्लेम पे हम अच्छे से भून लेंगे, जब तक कि ये ब्राउन ना हो जाए। फ्रेंड्स, ये रेसिपी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगी, आप इसको ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। तो इतने हमारी प्याज भून रही है, इतने हम मूंगफली के छिलकों को अलग कर लेते हैं। आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा हमने इसको भून लिया है, तो ये बहुत ईजिली से छिलके हट जाएंगे। फ्रेंड्स, आप देख सकते हो हमारी प्याज भून चुकी है, इसका कलर ब्राउन हो चुका है। अब हम इसमें भिंडी डाल देंगे और उसको अच्छे से फ्राई करेंगे तेल में। हमें प्याज के साथ भिंडी को अच्छे से फ्राई कर लेना है। आप देख सकते हो मीडियम फ्लेम पे हमें इनको अच्छे से फ्राई करना है। इस तरीके से हम बनाते हैं रेसिपी, तो बहुत ज़्यादा टेस्टी और लाजवाब बनती है और खाने में इसका अलग ही टेस्ट आता है। और मूंगफली डालने से तो इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। आप इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने कूटना ले लिया है और उसमें मैंने हरी मिर्च और लहसुन को डाल दिया है, और हम अब इसमें मूँगफली भी डाल देंगे जो हमने भुनी थी। सारी मूँगफलियों को हम इसमें डाल देंगे और इसको कूट लेंगे, एक फाइन पेस्ट बना लेंगे कूट के। ये बहुत ईजली कूट जाएगा, मिक्सी जार में आपको कूटना नहीं है इसको,
इसको इसी में कूटेंगे हम। इसे थोड़ा दरदरा सा रखना है हमें, ज़्यादा बारीक नहीं करना है। तो इस तरीके से हम इसको कूट लेंगे अच्छे से। तो फ्रेंड्स देख सकते हो आप, हमारी मिर्ची लहसुन और मूँगफलियाँ अच्छे से कूट चुकी हैं। अब हम यहाँ पे अपनी भिंडी को देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स देख सकते हो आप, भिंडी भी हमारी फ्राई हो चुकी है। अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। यहाँ पे मैंने आधा चम्मच नमक लिया है, थोड़ा मैंने हल्दी पाउडर लिया है, ज़्यादा नहीं लिया है, थोड़ा ही लिया है मैंने हल्दी पाउडर। और उसको अच्छे से चला देंगे ताकि हमारे मसाले इसमें अच्छे से मिक्स हो जाएं। आप देख सकते हो इसी तरीके से आपको इसको चला देना है ताकि मसाले भिंडी में अच्छे से मिक्स हो जाएं। अब हम इसमें मिर्च लहसुन और मूंगफली का पेस्ट डालेंगे, जो अभी हमने कूटा था उसको हम इसमें ऐड कर देंगे और इसको चला देंगे ताकि ये अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए। फ्रेंड्स हमने मूंगफली डाली है जिससे कि इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और खाने में भी ये बहुत ज़्यादा टेस्टी और लाजवाब लगेगी। आप इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, आप बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स इसको हम अच्छे से चला देंगे। आप इसका कलर देख सकते हो कितना अच्छा आया है, ना इसका कोई कलर चेंज हुआ है ना ही कुछ। और इस तरीके से हम इसको बनाते हैं तो इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है और खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है ये भिंडी की सब्ज़ी। और हमने इसमें कोई आलतू फालतू का मसाला भी नहीं डाला है। तो फ्रेंड्स अब हम इसमें आधा नींबू छिड़क को निचोड़ देना है। नींबू निचोड़ने के बाद इसका टेस्ट और भी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। और इसको अच्छे से चला देना है ताकि नींबू भी इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए। आप इसका कलर टेक्सचर देख सकते हो कितना परफेक्ट आया है, और जितने ये देखने में लाजवाब लग रही है उससे ज़्यादा कहीं खाने में टेस्टी थी ये। तो फ्रेंड्स इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो हमारी भिंडी का फाइनल लुक ये बनके तैयार हो चुकी है। बिल्कुल एक एक भिंडी अलग है, कोई चिपकी हुई नहीं है और बिल्कुल परफेक्ट बनी है। तो फ्रेंड्स देख सकते हो आप हमारी भिंडी का फाइनल लुक कितनी लाजवाब लग रही है, देखने में कितनी टेस्टी है। आप एक बार इसको ट्राई कीजिएगा, एक बार तो बनानी बनती है ये। तो ट्राई करके बताइएगा आप कमेंट करके कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।